तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए 25 मैजिकल फैंटेसी मूवीज लेकर आया हूँ जिनमें जादू ही जादू भरा हुआ है, और ये सभी मूवीज यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। और अगर किसी मूवी को यूट्यूब डिलीट कर देता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं निकालूंगा। तो शुरू करते हैं यूट्यूब की पहली ऐसी वीडियो जिसमें 25 मैजिकल मूवीज हैं। नंबर 25, द नटक्रैकर इन 3D। साल 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म में दो बच्चे मैरी और मैक्स दुष्ट राजा चूहे से नटक्रैकर मैजिकल वर्ल्ड को उससे बचाने के लिए मैजिक वर्ल्ड में एंटर करते हैं। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 4.2 की रेटिंग दी है। नंबर 24, आई फ्रैंकेंस्टाइन। 2014 की इस फिल्म की कहानी में आपको ऐसा दानव मिलेगा जिसे मरे हुए इंसानों के बहुत से अंगों से बनाया जाता है जो दुनिया को वैम्पायर से बचाता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.1 की रेटिंग दी है। नंबर 23, गॉड ऑफ इजिप्ट। साल 2016 में आई इस फिल्म में आपको मैजिक फाइट के साथ साथ बिग मॉन्स्टर भी देखने को मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात इस फिल्म की स्टोरी फैंटेसी टाइप की है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.4 की रेटिंग दी है। नंबर 22, हैंसल एंड ग्रेटल विच हंटर। 2013, इस फिल्म की कहानी दो भाई बहनों से स्टार्ट होती है जो बचपन में एक चुड़ैल को मार देते हैं, तो वो दोनों बड़े होकर विच हंटर्स बन जाते हैं और पैसों के लिए चुड़ैलों को मारते हैं। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.1 की रेटिंग दी है। नंबर 21, इट्स ए बॉय गर्ल थिंग। 2006, इस फिल्म में आपको एक लड़का और एक लड़की की कहानी देखने को मिलेगी जो एक रात जादुई तरीके से एक दूसरे में बदल जाते हैं, जैसे लड़का लड़की के शरीर में और लड़की लड़के के शरीर में। फिल्म बड़ी कमाल की है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.3 की रेटिंग दी है। नंबर 20, द प्रेस्टीज। 2006, फिल्म की कहानी दो मैजिक शो करने वाले दोस्तों से होती है, लेकिन उन दोनों के बीच दरार आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के मैजिक शो को बर्बाद कर देना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 8.5 की रेटिंग दी है। नंबर 19, मोजिन द लॉस्ट लेजेंड। 2015, इस फिल्म की कहानी तीन ट्रेजर हंटर की एक टीम से होती है जो एक मैजिकल ट्रेजर को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ और ही मिलता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6 की रेटिंग दी है। नंबर 18, नेवरलैंड। 2011, इस फिल्म के अभी तक 5 पार्ट आ चुके हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। फिल्म की कहानी नेवरलैंड से शुरू होती है जो एक मैजिकल वर्ल्ड है जहां आपको परियां और समुद्री लुटेरे भी देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.4 की रेटिंग दी है। नंबर 17, द मोर्टल इंस्ट्रूमेंट सिटी ऑफ बोन्स। 2013, फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो अपने मैजिकल पावर से अनजान है, और उसको दिखाई देते हैं मॉन्स्टर जो आम लोगों को दिखाई नहीं देते। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.9 की रेटिंग दी है। नंबर 16, डेट ट्रांस। 2005, ये फिल्म बड़ी फैंटेसी है। इस फिल्म में एक मॉन्क अपनी शक्तियां पाने के लिए एक पौराणिक ताबूत को अपने मास्टर तक पहुंचाता है। इस फिल्म से आप कभी बोर नहीं होंगे। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.9 की रेटिंग दी है। それだけは何としてでも防がねば。नंबर 15, आर्थर एंड द मिनिमल्स। 2006, इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा एक 10 साल का लड़का और वो अपने घर को बचाने के लिए एक खजाने की खोज पर निकलता है मैजिकल वर्ल्ड में,
इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6 की रेटिंग दी है। Mia Farrow, Madonna, Snoop Dogg and David Bowie. You will be sorry that you defied Malthazar. नंबर 14, The Forbidden Kingdom, 2008। ये एक चाइनीज मैजिकल फैंटेसी मूवी है जिसमें एक लड़का एक जादुई छड़ी को उसके मालिक तक पहुंचाता है दूसरे वर्ल्ड में जाके। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.6 की रेटिंग दी है। नंबर 13, द सीक्रेट ऑफ द मैजिक कार्ड, 2007। इस फिल्म को देखकर आपको डोरेमोन की याद आ जाएगी क्योंकि इस फिल्म में एक जादुई लोकी होती है और उसका एक 8 साल का बच्चा दोस्त होता है जो उससे नोबिता की तरह गैजेट्स मांगता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.1 की रेटिंग दी है। Here we go! On a journey where wishes come true. You see one that you like? I like all of them. Get ready to march. Get ready to run. Huh? And featuring the voice talents of high school musicals. Number 12, The Chronicle Narnia, 2005. इस फिल्म के 3 पार्ट आ चुके हैं और सभी पार्ट्स को लोगों ने बहुत पसंद किया है। ये फिल्म हैरी पॉटर की जितनी हिट तो नहीं हुई पर जो भी है वो ठीक ठाक है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.9 की रेटिंग दी है। नंबर 11, गूज़बम्प 2, 2018। फिल्म की कहानी शुरू होती है 15 साल के एक लड़के से जो गलती से एक शैतानी डमी को नींद से जगा देता है। इस फिल्म के 2 पार्ट बन चुके हैं, आपको पहले फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए तब आपको इस फिल्म की स्टोरी समझ आएगी। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 5.9 की रेटिंग दी है। So tiny and cute, what can they possibly do? Sonny, they're just gummy bears. नंबर 10, हेलबॉय 2004। आप लोगों ने ये फिल्म सीरीज तो जरूर देखी होगी। ये हेलबॉय का पहला पार्ट है जिसमें आप लोग देखोगे हेलबॉय कैसे और कहां से आया था। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.8 की रेटिंग दी है। Are you gonna be okay? How big can it be? Didn't I kill you already? नंबर 9, ब्रिज टू टेराबिटिया, 2007। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 2 बच्चों से जो एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड में एंटर करते हैं जहां उन्हें कई मैजिकल क्रिएचर्स मिलते हैं और वो दोनों उस मैजिकल वर्ल्ड को बचाते हैं। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 7.1 की रेटिंग दी है। नंबर 8, द लास्ट विच हंटर, 2015। फिल्म में आपको देखने को मिलेगा एक विच हंटर जो एक एक करके चुड़ैलों को मारता है लेकिन अब उसका मुकाबला चुड़ैलों की रानी से है जो बहुत ताकतवर है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6 की रेटिंग दी है। नंबर 7, कैस्पर, साल 2095 में आई ये फिल्म बड़ी कमाल की है जिसे आपने एक बार देख लिया तो आप भी इस फिल्म के दीवाने हो जाएंगे। ये फिल्म मैंने बचपन में देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.1 की रेटिंग दी है। नंबर 6, नाउ यू सी मी, 2013। इस फिल्म में 4 जादूगर मैजिक शो के बीच में एक बहुत बड़े बैंक को लूट लेते हैं। वो सब उस बैंक को कैसे लूटते हैं ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 7.3 की रेटिंग दी है। Now they're pulling off amazing robberies and not keeping a single cent for themselves. You do realize this is a game. Play it out. नंबर 5, द लास्ट एयरबेंडर, 2010 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक 12 साल का लड़का है जो एक ऐसी लड़ाई को खत्म करने आता है जिसका अंत सिर्फ वो ही कर सकता है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 4 की रेटिंग दी है। नंबर 4, मेलेफिसेंट, 2014। फिल्म में एक प्रिंस को एक चुड़ैल की बेटी से प्यार हो जाता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं लेकिन उस प्रिंस की माँ चुड़ैलों से नफरत करती है इसलिए वो मैजिकल क्रिएचर्स को बंदी बना लेती है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 7 की रेटिंग दी है। नंबर 3, प्रिंस ऑफ पर्सिया, सैंड्स ऑफ टाइम, 2010।
फिल्म की कहानी एक ऐसे जादुई खंजर की है जो समय को पीछे ले जा सकता है, जिसे पाने के लिए कई लोग उसके पीछे होते हैं। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.6 की रेटिंग दी है। नंबर 2, फैंटास्टिक बीस्ट। 2018 की ये फिल्म मुझे बड़ी मस्त लगी। मुझे लगता है आपको भी लगी होगी, क्योंकि हैरी पॉटर से रिलेटेड हर मूवी मुझे पसंद आती है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.6 की रेटिंग दी है। You do not seek power. You simply ask, is the thing right? और नंबर 1 पर आती है हम सब की फेवरेट फिल्मों में से एक, हैरी पॉटर। इस फिल्म जैसी फिल्म ना तो कभी बनी है और ना ही कभी बनेगी। आप लोगों को हैरी पॉटर सीरीज में से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो।